हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्रोमेटा में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसका ट्रू रिव्यू। हम इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में बिल्कुल सही सही बात बताने वाले हैं। तो अगर आप इसको परचेस करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस पावर बैंक को मैंने परचेस किया था 2023 में फरवरी के मंथ में और तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो उसी के बेस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पावर बैंक में मुझे को क्या कमियाँ लगी और क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छाइयाँ तो मैं की वीडियो में बना चुका हूँ पहले ही, इसकी की अनबॉक्सिंग वगैरह उसमें मैं इसकी अच्छाइयाँ बता चुका हूँ, लेकिन मुझे इसमें काफ़ी सारी कमियाँ इसमें मुझे लगी उनकी बातें आज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस पावर बैंक को मैंने इतना यूज़ नहीं किया है तब भी इसकी बैटरी जो है देखिए फूल चुकी है अंदर से, और इसकी वजह से ये अपने आप ये ओपन हो चुका है, इसके लॉक्स जो हैं अपने आप ओपन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी क्वालिटी है बैटरी की, और अभी इसकी सील तक नहीं छूटी है भाई। देखो, मैंने इसको इतना भी यूज़ नहीं किया कि इतनी सील वगैरह भी छूटी हो इसकी ढंग से, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और इसका ये देखिए बैटरी फूल चुकी है, लास्ट 2-3 मंथ से मैं इसका अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ तब ये बैटरी फूल चुकी है। उससे पहले मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, महीने में एक बार या दो बार इसको यूज़ कर लेता था और फिर इसको चार्ज करता था और फिर डिस्चार्ज हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लास्ट 2-3 मंथ से जो है, एक महीने से तो मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, ख़राब हो गई थी, लेकिन एक लगभग दिसंबर की स्टार्टिंग में ये बैटरी फूल गई थी। तो सच में इसका बैटरी बहुत ही ज़्यादा बेकार निकला, इतने ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया मैंने और एक साल भी नहीं हुआ अभी इसके लिए और ये बेकार हो चुकी है। और फूलने के बाद क्या है, बैटरी में दिक्कत आ चुकी है, क्योंकि जब भी मैं इसको चार्ज करता हूँ 0 से एकदम 100 पे चली जाती है, जब मैं वो फ़ोन से चार्ज करता हूँ तो अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाती है। फ़ोन सिर्फ 25% ही चार्ज कर पा रही है अभी मेरा ये। तो बैटरी मेरे बहुत ज़्यादा कमी है भाई इसमें, और बैटरी ज़्यादा यूज़ करता तब भी बात ठीक थी, मैंने तो इतना यूज़ भी नहीं किया इसके लिए कि हर 2 दिन में हर 3 दिन में मैं रोज़ इसको लगा के छोड़ जा रहा हूँ। नहीं, फुल चार्ज होने पे इसको आराम से निकाल के दे रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे चार्जर से मैंने इसको चार्ज किया था, जो कंपनी के ब्रांडेड चार्जर होते हैं उनसे इसको चार्ज करता था, तब भी ये पावर बैंक 1 साल भी नहीं चल पाई। और 6 मंथ की इसकी वारंटी मिली थी, और 6 मंथ में मैंने सिर्फ इसको 1 महीने टेस्टिंग के लिए मैंने इसको यूज़ किया था, वीडियो बनाने के लिए। इसकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करने के लिए और इसकी फुल टेस्टिंग आपको बताने के लिए सारी चीज़ें इसकी टेस्टिंग वगैरह मैंने शुरुआत में 1 महीने में की थी। उसके बाद मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, फिर बाद में इसको यूज़ करने लगा तब इसकी ये हालत हो गई। ठीक है, और अभी देखिए मैंने इसकी सील तक नहीं छूटी, चलो इसको छुटा के देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, कैसी क्वालिटी है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं हुआ मेरे लिए, मेरे पैसे तो बेकार ही चले गए इसमें, क्योंकि एक पावर बैंक 1 साल भी नहीं चला बताओ। मैंने तो इसको मेड इन इंडिया लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने कहा चलो इंडिया की कंपनी ये वाला परचेस करते हैं, वरना मैं शाओमी वगैरह परचेस कर रहा था, वो ज़्यादा अच्छे चल जाते हैं। तो मेरा तो भाई बेकार हो गया रुपये सारे इसमें। तो इस पावर बैंक के संग एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा, मुझे ये पावर बैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कहीं यूज़ करने के बाद। इतनी जल्दी ख़राब होना भाई बिल्कुल नहीं बनता है, इसका एटलीस्ट 1 या 1.5 साल तो चल जानी थी, और मैं इसको कंटिन्यू यूज़ करता तो मुझे लगता है ये 6 महीने भी नहीं चल पाती। लेकिन ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू तभी यूज़ नहीं किया था, मुझे लगा कि अच्छा पावर बैंक होगा एक, और अभी देखिए अभी इसको 1 साल नहीं हुआ है और ये बिल्कुल बेकार हो चुका है, इससे मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज अब नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये परचेस नहीं करना चाहिए, अगर आपकी मर्ज़ी है आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू तो भाई बिल्कुल भी ये मुझे पसंद नहीं आया पावर बैंक। ठीक है, लाइट वेट है, काफ़ी सही है, लेकिन जब बैटरी ही नहीं चलती है इसकी 1 साल बाद बेकार हो जाएगा, 1 साल भी नहीं चलाई तो 1 साल से पहले ही बेकार हो गया भाई। तो मुझे तो ये बिल्कुल बेकार लगा और मेरा पैसे भी इसमें बेकार ही चले गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।